हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इट मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। रॉटन टोमेटो में इस मूवी को मिले थे 85% वोट और इस मूवी को ऑडियंस स्कोर में मिले थे 84%। मूवी कुछ इस तरह चालू होती है, हमें दिखाया जाता है 1988 का साल। ये स्टार्टिंग में मूवी में दो कैरेक्टर्स बिल और जॉर्जी दिखाए जाते हैं। बिल अपने भाई के लिए एक पेपर की बोट बनाता है जिसे वो खेलते खेलते नाले में गिरा देता है। जैसे ही जॉर्जी नाले में अपनी बोट को उठाने जाता है, वहाँ उसे दिखता है पेनीवाइज, जो जॉर्जी से कुछ बात करता है, जॉर्जी को बहलाता फुसलाता है और उसे अंत में उसके हाथ को खा के खींच लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है साल 1989 का। अब तक जॉर्जी को गए हुए एक साल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है माइक, जिसे कहा जाता है कि उस भेड़ को उस गन से सिर पे शूट किया जाए। ये उसका फैमिली बिजनेस है, पर माइक डरता है और करने से मना करता है। अब सीन कुछ इस तरह शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहां बिल, रिची, एडी और स्टैनली अपने समर वेकेशन के लिए बहुत खुश होते हैं। यहाँ उनके ग्रुप को लूजर क्लब कहलाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेवरली को, जिसे कुछ लड़कियाँ तंग कर रही होती हैं और वो स्कूल के बाहर, वहाँ हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो बड़ी परेशान अपने बच्चे के गुम हो जाने पर सबसे पूछती है कि आपने क्या मेरे बेटे को देखा। फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी को, जो बहुत ही खराब नेचर का इंसान रहता है, जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है और अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में घूम के सब जगह सबको बुली करने का काम करता है। वो लूजर क्लब को भी परेशान करता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेन और बेवरली को, जहां बेन अपने प्रोजेक्ट को लेते हुए घर जा रहा रहता है अपनी साइकिल पे और उसका प्रोजेक्ट गिर जाता है और फिर बेवरली उससे बात करती है और बेवरली और उसकी पहली बार ये बात होती है और बेवरली उससे कागज़ पे कुछ लिख के देती है और हमें तब पता चलता है कि बेन बेवरली को बहुत पसंद करता है। फिर बिल जब अपने घर पहुंचता है तो उसे उसके पापा बहुत डांटते हैं, क्योंकि बिल को अभी भी लगता है कि उसका छोटा भाई जॉर्जी जिंदा है। वो उस नाले में फंसा हुआ है और फंस के बह के कहीं एक गड्ढे में गिरा है, लेकिन उसके पापा उसका सैंपल देख के भी नहीं समझते हैं और वो तब भी यही समझते हैं कि जॉर्जी की मौत की वजह बिल है। माइक जब डिलीवरी कर रहा होता है, उस समय उस डोर में से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ उसके पास जाते ही वहाँ से जले हुए हाथ दिखाई देते हैं। फिर अचानक डोर खुलता है और माइक को पेनीवाइज नज़र आता है। उस पर्दे के पीछे दो आँख एकदम से चमकने लगती है। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है, जो माइक को देखकर उसे परेशान करता है और उसकी बाईसाइकिल गिरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और माइक को लगता है कि जो भी उसने देखा वो एक उसका इल्यूजन था। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली को, जो अपने घर में एक तस्वीर लगा रहा था, जब वो तस्वीर लगाता है तो उस तस्वीर में से एक अजीब व गरीब क्रीचर बाहर निकलता है और उसे डराने लगता है। इन सारे बच्चों को डराने वाला और कोई नहीं, पेनीवाइज रहता है। इन्हें जिस जिस चीज़ों से डर लगता है, पेनीवाइज उस चीज़ों का रूप लेकर इन्हें डराता है। बिल अपने दोस्तों के साथ अपने भाई को ढूंढने निकलता है, तभी बेन लाइब्रेरी में डेरी टाउन की हिस्ट्री पढ़ता है, जहाँ बेन को पता चलता है कि ऐसे कई हज़ार बच्चे गुम हुए हैं और उनका आज तक पता नहीं चला। तभी बेन को एक रेड बलून दिखता है, जो लाइब्रेरी में बैठे किसी को भी नहीं दिखता। बेन उसे फॉलो करता है, लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे आधा कटा जला हुआ इंसान दिखता है, जो एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बेन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जब बेन वहाँ से जा रहा होता है, तब हेनरी उसे पकड़ लेता है, उसे परेशान करता है। उसके दोस्त
उसको पकड़ लेते हैं और उसकी शर्ट हटाकर उसके पेट में हेनरी एच सिंबल बना देता है। बेन चिल्लाता है। वहाँ से एक कपल गाड़ी में जाते रहते हैं, पर वो ये सब शोर सुन के भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि वो भी पेनीवाइज के मैजिक में रहते हैं। फिर बेन कैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में गिरते पड़ते नदी में बहते हुए बच जाता है। दूसरी तरफ बिल अपने भाई को उस नाले के एंड में ढूंढ रहा होता है। बिल को वहाँ कई बच्चों के शूज मिलते हैं। फिर जैसे ही वो सब अंदर जाने वाले होते हैं, घायल बेन वहाँ पहुँच जाता है। सभी बच्चे बेन के इलाज के लिए मेडिसिंस लेने जाते हैं। तभी हेनरी अपने दोस्तों को चाकू और बेन को ढूंढने भेजता है। उनमें से एक उस नाले के पास पहुँचता है। वो उस नाले के अंदर पड़ता है। जैसे जैसे वो पड़ता है, पेनीवाइज का मैजिक चालू होता है और फिर वो भी मारा जाता है। बिल बेन की मदद करने के लिए उस स्टोर में जाता है जहाँ उनके पास मेडिसिंस लेने के लिए पूरे पैसे नहीं होते हैं। तभी बेवरली वहाँ पहुँचती है और उस दुकानदार को बेवकूफ़ बना के उनकी मदद करती है ताकि वो सारी मेडिसिंस ले जाएं। फिर बिल बेवरली को इनवाइट करता है कुएं में छलांग लगाने। बेवरली अपने घर पहुँचती है जहाँ उसके फादर उसके साथ एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाते हैं। उसे परेशान होकर वो अपने बाल काट लेती है। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे उस तालाब में छलांग लगा के इंजॉय करते हैं। इस इंजॉयमेंट के बाद वो सब बेन के घर जाते हैं जहाँ बेन उन्हें बताता है कि इस टाउन में धीरे धीरे अचानक से लोग गायब होने लगे थे। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उनके मिलता तो सिर्फ उनके खून से रंगे हुए कपड़े जो एक कुएं के पास मिलते थे। फिर हम देखते हैं एडी जो घर जा रहा होता है। वहाँ जैसे ही वो घर जा रहा होता है, वो एक अबेंडेंट हाउस के से गुजर रहा होता है। उसी वक्त उसे मेडिसिंस लेने का टाइम होता है। जैसे ही वो अपनी मेडिसिंस लेता है, पेनीवाइज का जादू चालू हो जाता है और वहाँ सड़े हुए जोम्बी टाइप के क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे जान बचाने के लिए वो उस घर में घुस जाता है जहाँ उसे दिखता है पेनीवाइज जो उसे घूर रहा होता है। वहाँ वो कैसे तैसे अपनी जान बचा के निकल जाता है। फिर हम देखते हैं बेवरली जिसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है, वो जो पढ़ने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी उसे वॉशरूम में कई लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब बेवरली चेक करने के लिए वॉश बेसिन में अपने मेजरिंग टेप डालती है, जैसे ही वो टेप अंदर डालती है और जैसे निकालती है, उससे उस टेप में खून लगा और एक इंसानी बाल दिखता है जो अचानक से उसके शरीर में लिपट जाता है और फिर अचानक से उस वॉश बेसिन में से खूब सारा खून निकलता है जो उसके पूरे बाथरूम में छप जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसकी चीखें सुन के उसके फादर अंदर आते हैं, पर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम बिल को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को बहुत मिस कर रहा होता है। अचानक से बिल को कमरे में से किसी के चलने की आवाज़ आती है और उसे कुछ पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे वो फॉलो करते करते बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ उसे अपना छोटा भाई जॉर्जी दिखता है जो उसे अपनी ओर बुलाता है। जैसे ही बिल उसकी ओर आगे बढ़ता है, वहाँ उसे पेनीवाइज दिखता है जो अचानक से उस पर हमला करता है, पर कैसे तैसे बिल अब वहाँ से बच के बाहर निकल आता है। बेवरली सबको अपने घर बुलाती है और अपने खून से रंगा हुआ बाथरूम दिखाती है। सभी को खून दिख रहा होता है पर उसके पापा को नहीं दिख रहा। बेवरली सोचती है कि उसके पापा को ये सब खून क्यों नहीं दिख रहा। फिर सब साथ मिलकर रूम साफ करते हैं जिससे उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर सब बाहर चले जाते हैं, तभी बिल को माइक दिखता है जिसे हेनरी और उसके दोस्त खींच कर जंगल की ओर ले जाते हैं। वो उसे कच्चा मांस खिलाने की कोशिश करते हैं। तभी माइक को उसके पीछे पेनीवाइज दिखता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है। पेनीवाइज माइक को
हाथ खाते खाते स्माइल दे। उसी वक्त लूजर क्लब वहां आ जाता है और हेनरी को पत्थर मार मार के वहां से भगा देता है और माइक को भी अपने लूजर क्लब में ज्वाइन कर ले। फिर सभी टाउन में मिसिंग हुए बच्चों की तस्वीर देखते रहे। बेन सभी को बताता है कि यहां कुछ दिनों से डेरी टाउन के बारे में पढ़ रहा है। उसे पता चलता है कि हर 27 साल में ऐसा होता है और ज़्यादातर बच्चे ही गायब होते हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों के लिए चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद अगले 27 साल बाद फिर आता है। तो सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं पेनीवाइज है जो बच्चों को 27 साल में आता है, उनके खा जाता है और फिर चला जाता है। फिर सबको अपनी अपनी घटनाओं से समझ में आता है कि पेनीवाइज वो करता है जिन्हें इन सब से डर लगता है। पेनीवाइज उन चीज़ों का रूप लेता है जिन्हें बच्चे जिनसे सबसे ज़्यादा डरते हैं, ताकि वो उन्हें डरा कर उनका डर एब्जॉर्ब करके उनको मार डाले। सब बिल के घर जाते हैं जहाँ उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखता है। मैप देखकर सबको पता चलता है कि जहाँ भी अब तक इंसिडेंट हुए हैं सब जमीन के नीचे गटर से जुड़े हुए हैं और सभी गटर एक ही जगह जाके मिलते हैं, एक जो एक कुआं है जो उस अपेंडेंट घर में है। सब समझ जाते हैं कि जो कोई भी ये सब कर रहा है वो उन्हें कुएं में रहता है। तभी अचानक प्रोजेक्टर में फ़ोटो चेंज हो जाती है, सब डर जाते हैं। तभी प्रोजेक्टर में से पेनीवाइज की फ़ोटो आ जाती है और अचानक से पेनीवाइज प्रोजेक्टर से बाहर आ जाता है। जैसे ही पेनीवाइज सबकी तरफ बढ़ता है, बिल गेट खोल देता है, पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। फिर बिल डिसाइड करता है कि सभी को उस पुराने घर में जाएं और पेनीवाइज को मार दें। बिल सबको समझाता है कि उन्हें उसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही बच्चे मरते रहेंगे और ये कभी नहीं रुकेगा। सब बिल के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब उस सुनसान घर के अंदर जाते हैं, लेकिन पेनीवाइज सबको विजन से अलग अलग कर देता है। पेनीवाइज फिर एडी को क्रीचर बनके डराता है। एडी नीचे गिर जाता है और बहुत इंजर्ड हो जाता है। रिची रूम में बंद हो जाता है जहां बहुत से जोकर होते हैं और अचानक से पेनीवाइज एक जोकर का रूप लेकर आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। और जैसे ही पेनीवाइज उस पर हमला करने वाला होता है, बिल उसे बचा लेता है। फिर पेनीवाइज एडी को डराता है। वो जैसे ही उसे खाने वाला होता है, सही वक्त पर बिल और रिची वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन पेनीवाइज उन पर हमला कर देता है। तभी बेवरली रॉड से उसके सिर में मार के उसके सिर में रॉड घुसेड़ देती है। तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह अपने पैने नाखूनों से बेन पर हमला करता है, जिससे बेन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है क्योंकि सब एक साथ थे। पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे उस घर के से बाहर आ जाते हैं। फिर बिल कहता है उन्हें वहाँ वापस जाना चाहिए, पर इस बार पूरी तैयारी के साथ, पर बेवरली के अलावा उसका कोई साथ नहीं देता। रिची जब बिल से कहता है कि उसका भाई मर चुका है और वो अब वापस नहीं आएगा, बिल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और रिची और बिल के बीच में लड़ाई हो जाती है। बेवरली सबको यही समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है जब तक हम सब यूनाइटेड हैं हम उसे हरा सकते हैं, इसीलिए वो हम सबको तोड़ना चाहता है। पर उसकी बात कोई नहीं मानता और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जिसे पेनीवाइज के एक रेड बलून दिखता है, जो रेड बलून जाते जाते उसके लेटर बॉक्स के पास जाता है, जहाँ वो जैसे ही वो लेटर बॉक्स खोलता है उसे अपनी वो नाइफ दिखती है जो जंगल में गिर गई थी। वो नाइफ लेकर घर के अंदर बढ़ता है। जैसे ही वो घर के अंदर बढ़ता है, उसे उसके फादर सोफे में सोए हुए दिखते हैं और सामने एक टीवी सीरियल दिखता है, जिसमें अचानक से पेनीवाइज आ जाता है और उस टीवी सीरियल से वो उसे हिप्नोटाइज करता है। वो उससे उकसुक करता है कि वो अपने फादर को मार दे और फिर हेनरी उनका गला काट कर उन्हें मार देता है। और अब हेनरी भी पेनीवाइज के जादू में है। बेवरली के फादर उस पर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। बेवरली अपनी जान बचाने के लिए अपने फादर से बचकर बाथरूम की ओर बढ़ती है और वो शावर के पीछे छुप जाती है। जैसे ही उसके फादर उस शावर की तरफ आते हैं, वो उन्हें सिर से मारकर बेहोश कर देती है। फिर अचानक से वहाँ पेनीवाइज आ जाता है और बेवरली को लेकर चला जाता है। बिल बेवरली के घर जाता है, जहां उसे पेनीवाइज का खून से रंगा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसपे लिखा रहता है यू डाई इफ यू ट्राई। बिल सभी दोस्तों को ये बात बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को ले गया है। ये सब सुन के वो सब यूनाइटेड हो जाते हैं और वो उस घर की तरफ बढ़ते हैं, ताकि वो बेवरली को बचा दें और पेनीवाइज को मार डालें। बेवरली को होश आता है, वो देखती है
कि वो एक अंधेरी जगह में है जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कूड़ा फैला हुआ है और बच्चों की लाशें हवा में तैर रही है। बेवरली वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि पीछे से अचानक से पर्दे के पीछे लाइट चमकने लगती है। पर्दा खुलता है और पीछे खड़ा रहता है पेनीवाइज। वो उसे देखकर नाचने लगता है। बेवरली तेजी से भागने की कोशिश करती है पर पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है पर बेवरली उससे नहीं डरती है। जैसे ही पेनीवाइज को समझ में आता है कि बेवरली उससे डर नहीं रही है, वो उससे अपना असली भयानक रूप दिखाता है, जिसको देखकर बेवरली की आंखें उन बच्चों की तरह चमकने लगती है। सारे बच्चे उस कुएं में नीचे जा रहे होते हैं। माइक की बारी आती है। माइक उतर रहा होता है कि हेनरी उस पर हमला कर देता है। हेनरी अपना चाकू निकाल कर उससे कहता है, जिस तरह मैंने तेरे फादर को मारा उसी तरह मैं तुझे भी मार दूंगा। पर माइक बच जाता है और वो उस हेनरी को कुएं में नीचे गिरा देता है। अंधेरा होने के कारण एडी उन सबसे बिछड़ जाता है। इस अंधेरे का फायदा लेकर पेनीवाइज उस भयानक लेडी रूप लेकर उससे डराने लगता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, सही वक्त पर सारे बच्चे उसे बचाने आ जाते हैं। क्योंकि सब एक साथ होते हैं, पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। उसी समय बिल को अपना भाई जॉर्जी दिखता है। वो उसका पीछा करते करते उस जगह पहुँच जाता है जहाँ बेवरली हवा में तैर रही होती है। बिल बेवरली को जगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागती है। सब पीछे पीछे उसके उधर पहुँच जाते हैं। फिर सब बेवरली को नीचे खींचते हैं। बेन अपनी पोइट्री सुनाता है पर बेवरली नहीं जागती, तो वो उसे जोर से किस कर देता है, जिसके कारण वो होश में आ जाती है। जॉर्जी जो अभी पेनीवाइज है, वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है पर बिल समझ जाता है कि ये उसका भाई जॉर्जी नहीं है। वो उसे शूट कर देता है सिर पे। फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और वो बिल को पकड़ लेता है। और फिर वो सारे बच्चों से कहता है, जितना तुम सब मुझसे डरोगे उतनी मेरी पावर बढ़ती जाएगी। पर इस बार कोई भी उससे डरता नहीं, तो वो और डरने लगता है उन सब से। वो कहता है, मुझे बिल दे दो, मैं इसे खाकर तुम सबको छोड़ दूंगा, 27 साल के लिए सोने चले जाऊंगा। पर कोई भी उससे डरता नहीं और सब उस पर हमला कर देते हैं। एकता होने के कारण वो उन सब से डरने लगता है और वो उस कुएं में जाके छुप जाता है। और जाते जाते वो एक शब्द फियर और कुएं में गिर जाता है। वो भूखा ही सोने चला जाता है। सारे बच्चे उस नाले से बाहर आते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर पेनीवाइज 27 साल बाद फिर से आया तो हम सब मिलकर उसे वापस मार डालेंगे। यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है।